Hello everyone, welcome back in Civil Information. Today we are going to proceed our next lecture that is based on IS code method. So IS code method jo hai hamara wo IS 6403 jo 1981 mein publish hua tha us pe based on hai. और इसमें आईएस कोड मेथड में एक इक्वेशन दी गई है जिससे हम नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी निकालते हैं, QNU, नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल हम लोग निकालते हैं. तो वो जो होती है वो हमारा आईएस कोड मेथड जो है वो मेयर ऑफ थ्योरी में जो इक्वेशन दी गई उसी को आईएस कोड ने अडॉप्ट किया था. देखो सीधी सी बात है, उसमें बस उन्होंने कुछ चेंजेस जो किए थे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ. देखिए, जिसमें नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए उन्होंने एचटिक मेयर ऑफ की जो इक्वेशन है उसी को यूज कर लिया, सीएनसी, और उन्होंने एचडीआई का यूज किया था. ये टर्म उन्होंने यूज किया, तो आईएस कोड ने भी उसी को यूज कर लिया. उसके बाद फिर यहाँ पे गामा डीएफ, बस यहाँ पे इन्होंने एनक्यू माइनस वन कर दिया और फिर इसको एच डी आई वाले टर्म में यही यूज कर लिए, क्यों. और उसके बाद प्लस ये वाला जो टर्म है 0.5B गामा एन गामा, और उसके बाद एच डी आई, एच गामा, डी गामा और आई गामा के टर्म इन्होंने यूज कर लिए. बस इसमें एक आई एस कोड ने जो किया है इसमें एडिशनल वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर को लास्ट टर्म में मल्टीप्लाई किया है. इक्वेशन आपको याद हो जाए इस वजह से मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ. तो यहाँ पे एक एडिशनल इसमें वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर, इसको मैं आर गामा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आर गामा स्टार से, आर गामा स्टार का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है. तो ये मेरी इक्वेशन बन के आ गई जिससे हम नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी निकाल सकते हैं. ये हमारा है आईएस कोड मेथड है. तो इसमें जो ये टर्म है ये हमारा है वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर. तो इसकी वैल्यू होती है आर गामा स्टार की वैल्यू जो होती है ये होती है 1/2, जेड टू एक टर्म ले लिया प्लस बी प्लस वन, बी तो आप जानते हैं विड्थ ऑफ फिटिंग. अच्छा जेड टू है ग्राउंड वाटर टेबल बिलो फाउंडेशन लेवल से कितने नीचे है ग्राउंड वाटर टेबल, तो उसकी जो हाइट है उसको यहाँ पे जेड टू से मेंशन किया गया है, बिलो फाउंडेशन लेवल. तो ये टर्म जेड टू यहाँ पे ये यूज किया गया. अब ये इस फैक्टर का जब मल्टीप्लाई हम इसमें करते हैं तो ये इक्वेशन आती है, इससे हम नेट अल्टीमेट वेयरिंग कैपेसिटी निकालते हैं. तो अगर आप चाहो तो लिख भी सकते हो आईएस कोड अडॉप्टेड मेयर ऑफ थ्योरी विद एडिशनल वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर इन लास्ट टर्म में मल्टीप्लाई कर दिया हमने. तो ये था हमारा आईएस कोड मेथड. क्योंकि इंडिया ने सब चीज़ों को स्टडी करा, फिर बाद में जो मोस्ट एक्यूरेट था उसमें उसने उसको अडॉप्ट किया और उसमें कुछ अपने भी करेक्शन कर दिए, NQ-1 यहाँ पे टर्न ले दिया, यहाँ पे ये कर दिया. तो इस तरीके से उन्होंने यूज किया. तो यहाँ तक ये हमारा जो लेक्चर है ये फाउंडेशन इंजीनियरिंग को नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी कहीं हमने निकाला, कहीं अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी निकाला. तो अब इसका यूज कहाँ पे होगा अब मैं आपको वो बताना, ठीक है. सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे अब ग्रॉस प्रेशर, ये टर्म आप जरूर लिख लीजिए क्योंकि मैं अभी निकालता हूँ. ग्रॉस प्रेशर को QG से डिनोट करते हैं. नेट प्रेशर एग्जाम में कुछ भी आपसे पूछ सकता है. अब अभी तक हम लोगों ने जितने भी वीडियो देखे अब उसका यूटिलाइजेशन है कि उसका यूटिलाइजेशन क्या है, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी. आपसे इसमें से कोई भी, मैं जितने टर्म लिख रहा हूँ कोई भी टर्म पूछ सकता है. अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इसको QU से डिनोट करते हैं. आपसे नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी QN से डिनोट करते हैं. QNU
क्यू एन यू आप लिख लीजिएगा, ये अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी है। अगर इसी टर्म में क्यू एन यू अगर लगा दूँ तो ये नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी होगी। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं, आपसे नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी भी पूछ सकता है एग्जाम में, नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी, नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी, नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी क्यू एन एस से डिनोट करते हैं। आपसे सेफ बियरिंग कैपेसिटी भी पूछ सकता है। तो देखिए फाउंडेशन इंजीनियरिंग टफ नहीं है, सेफ बियरिंग कैपेसिटी इसमें ये जो टर्म पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, हमें इसके नंबर वो देगा, आप निकाल के आओगे, क्योंकि आपने तरजागी जी की इक्वेशन पढ़ी है क्यू यू इक्वल टू सी एन सी वाली इक्वेशन आपने पढ़ी, वही आप लगा के आओगे, तो आप अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकाल के आओगे। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि आप मेरे को सेफ बियरिंग कैपेसिटी बताओ, तो आप नहीं निकाल पाओगे। इस वजह से ये टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। तब मैं आपको एक जगह पे इसको समझा दूंगा कि अगर आपको अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी है तो उससे यहाँ पे कैसे पहुँचना है, यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचना है, इसे यहाँ पे कैसे पहुँचना है, इसे हम ग्रॉस प्रेशर कैसे निकाल सकते हैं, मैं एक बार में आपको समझा दूंगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए, सेफ बियरिंग कैपेसिटी को भी आपसे पूछ सकता है। अच्छा, आपको सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी भी पूछ सकता है कभी कभी, सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी कितनी होगी, कैरिंग कैपेसिटी, सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी को क्यू सेफ से डिनोट करते हैं, क्यू सेफ से इसको डिनोट करते हैं। तो इसमें से आपको आपसे कोई भी टर्म वो पूछ सकता है। तो यही मैं आपको सारी चीज़ें एक साथ बताने वाला हूँ, तो आई होप आप समझ पाओ। और तो अब देखिए इसमें सबसे पहले आपको ये समझना है, ये आपको एकदम दिमाग में डाल लेना है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है। तो ग्राउंड लेवल के नीचे का जो भी पोर्शन होता है वही हमारा फुटिंग में कंसीडर होता है। तो ये पोर्शन मैं ग्राउंड लेवल के, यहाँ पे मैंने मिट्टी खोदा, आप इस तरीके से समझो, ये ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल के, ग्राउंड लेवल हमारी कहाँ पे होती है, जहाँ पे सिर्फ मिट्टी वगैरह है, जहाँ मतलब सतह है, तो वहाँ पे हम लोग रहते हैं, वहाँ पे हम लोगों ने खुदाई करी, ये खुदाई करी, यहाँ से मिट्टी हम लोगों ने निकाल लिया, यहाँ सब जगह मिट्टी थी, यहाँ सब जगह ये मिट्टी है हमारी, तो इस मिट्टी को हमने यहाँ से खुदाई करके यहाँ से निकाल लिया और यहाँ पे एक फुटिंग इंस्टॉल कर दी। तो इस फुटिंग की डेप्थ है जो, उसको डीएफ से डिनोट कर दिया, और इसकी विड्थ बी से डिनोट कर दिया। अच्छा, अब ये जो फुटिंग है, इस फुटिंग में कोई लोड लग रहा होगा, तो ये लोड को मैंने बोल दिया Q, इस लोड को मैंने डिफाइन कर दिया Q से, तो Q लोड लग रहा, Q लोड जो लग रहा है वो यहाँ पे लग रहा है इस फुटिंग, ये RCC की पूरी फुटिंग है। अच्छा, इसके नीचे का ही भाग जो है फुटिंग में कंसीडर कर रहे हैं, ऊपर का तो फिर हमारा कॉलम वगैरह में कंसीडर कर लिया जाएगा, वो अलग है, तो हम फुटिंग को यहाँ पे डील कर रहे हैं। तो जो लोड आ रहा है वो हमारा सुपर स्ट्रक्चर का ही आ रहा है, ठीक है, तो वो हमारा ऊपर से आ रहा है लोड, तो ये लोड हमारा ये RCC का बना हुआ है, तो ये ट्रांसफर कर रहा है लेयर बाय लेयर, ट्रांसफर करता जा रहा है, ये लेयर इसको ट्रांसफर, ये इसको ट्रांसफर करके मैक्सिमम यहाँ पे स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। तो अगर इस स्ट्रेस को हम देखें, यहाँ पे मैक्सिमम जनरेट हो रहा, और जैसे हम लोग नीचे जा रहे हैं वो स्ट्रेस कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा, और यहाँ पे आके बिल्कुल आके यहाँ पे जीरो हो गया, तो स्ट्रेस इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा। तो इसलिए हम लोगों ने ये एक स्ट्रेस, ये हमारा अच्छा फाउंडेशन लेवल था, ये ग्राउंड लेवल था, जिस इस तरीके से यहाँ पे ये फाउंडेशन लेवल था, और फाउंडेशन लेवल में जो हमारा स्ट्रेस इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यहाँ पे आके जीरो हो रहा, तो यहाँ पे तक जीरो हो रहा, इस तरीके से स्ट्रेस यहाँ पे मैक्सिमम, फिर ये कम कम होता हुआ यहाँ पे आके जीरो हो गया, तो इस पूरे रीजन में स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इसको बोल दिया स्ट्रेस जोन, स्ट्रेस जोन, और ये हमारा हो गया स्ट्रेस लेवल, इसको हमने दे दिया नेम स्ट्रेस लेवल, इसको मैंने बोल दिया। अब ये जो डेप यहाँ तक है, ये हमारी डेप्थ ऑफ फुटिंग। अच्छा, ये जो स्ट्रेस जोन है ये बी से बड़ा नहीं हो सकता, ये हम लोग एजम्पशन लेके ही स्टडी कर रहे हैं, कि यानी कि इसकी जो हाइट है ये बी ही होगी, मतलब विड्थ ऑफ फुटिंग से ज़्यादा नहीं होगा। तो अब हम अपने टर्न पे आते हैं, क्यू लोड है। अच्छा, ये अगर मैं यहाँ पे जो सॉइल है, ये जो सॉइल है इसका यूनिट वेट गामा है, इसका भी यूनिट वेट गामा है, क्योंकि सेम सॉइल है, तो इस गामा का अगर मैं मल्टीप्लाई
डेप्थ से अगर करा देता हूँ तो इस सॉइल की वजह से जितना भी सरचार्ज इस पे, मतलब इस पे जो प्रेशर लग रहा प्रेशर, वो उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इस पूरे को सॉइल को बिगाड़ के मैं इस पे सीधे ये भी एक टर्म लिख सकता हूँ, क्यू इजकल टू गामा डी एफ डेप्थ ऑफ फुटिंग। ये जो गामा है इसकी इतना प्रेशर अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ तो मुझको इस सॉइल यहाँ पे शो करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्यू इजकल टू गामा डी एफ सिर्फ इस चीज़ को डिनोट कर रहा है। तो आप समझने की कोशिश करिएगा। अब मैं अपने एक्चुअल टॉपिक पे आ रहा हूँ। तो अभी हम लोगों ने सबसे पहले देखा था नेट प्रेशर, तो टोटल लोड यहाँ से लोडिंग लग रही है उसी की वजह से यहाँ पे हमारा नेट प्रेशर जनरेट होगा, जिसको Q1 बोलते हैं, वो हमारा नेट प्रेशर यहाँ पे जनरेट होगा। नेट प्रेशर, ये नेट प्रेशर हमारा जनरेट हो गया। अब इस नेट प्रेशर, अगर इस नेट प्रेशर में अगर मैं इस सरचार्ज को, मतलब गामा डी एफ टर्न को अगर जोड़ दूँ, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूँ, इन दोनों को आपस में जोड़ दूँ, Q1 प्लस गामा डी एफ, तो ये जो वैल्यू बनेगी ये मेरी बनेगी QG, मतलब ग्रॉस प्रेशर बन जाएगा। तो ये मेरा क्या कहलाएगा, ग्रॉस प्रेशर। तो आप लिखते भी रहिए, QG का जो फॉर्मूला होता है Qn प्लस गामा डी एफ होता है, तो वो मेरा ग्रॉस प्रेशर बन गया। ग्रॉस प्रेशर, इसको बोलते हैं ग्रॉस प्रेशर, अभी मैंने सब शो करा था। अच्छा, ग्रॉस प्रेशर जो हुआ मेरा, ग्रॉस प्रेशर ये तब तक रहेगा जब तक सॉइल फेल नहीं हो रही है। एक वो पॉइंट पे लोडिंग, जो ये ग्रॉस प्रेशर है, ये ग्रॉस प्रेशर हमारा क्या कहलाने लगेगा, QU, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। कब कहलाने लगेगा, सॉइल जस्ट फेल, जहां पे सॉइल जस्ट फेल कर जाएगी, मतलब नेट प्रेशर हम बढ़ाते जा रहे हैं, नेट प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, ये टर्न तो हमारा वो सेम रहेगा, रिमेनिंग पोर्शन ये जो है वो सेम रहेगा। तो नेट प्रेशर हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो ग्रॉस प्रेशर में अभी ये कैलकुलेट हो रहा है, गामा डी एफ प्लस Qn दोनों ग्रॉस प्रेशर में कैलकुलेट हो रहा है। लेकिन एक टाइम आएगा जब हमारी सॉइल फेल कर जाएगी, और जब फेल कर जाती है तो उस अब ये ग्रॉस प्रेशर ना कहला के Qu, मतलब अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी कहलाता है। जो हम लोग तब जाके थ्योरी में Qu निकालते हैं, वो हम लोग ये टर्म निकालते हैं, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। अब अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी आप लोग समझ गए होंगे, तो ये हमारा ग्रॉस प्रेशर है, ये हमारा अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। ग्रॉस प्रेशर हमारा क्या है, नेट प्रेशर प्लस गामा डी एफ का एडिशनल पोर्शन। तो अब यही जो हमारा अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी है, अगर अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी में से अगर हम गामा डी एफ को अगर माइनस कर दें, मतलब अब यहां तक आप समझ गए हो, अल्टीमेट बेयरिंग पहले मैंने ये आपको बताया, इसमें इसको ऐड करा तो ये ग्रॉस प्रेशर बना, एट द पॉइंट ऑफ सॉइल जस्ट फेल, जब फेल करती है उस पॉइंट पे ये ग्रॉस प्रेशर क्या कहलाने लगेगा, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। और उस अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी में से अगर मैं गामा डी एफ को अगर माइनस कर दूं, तो ये जो टर्म बनेगा ये हमारा Qnu बन जाएगा, नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। मतलब अगर आप अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी अगर निकाल लिए हैं तरजागी जी की थ्योरी से, तो उसमें गामा डी एफ को अगर माइनस कर देते हैं तो आपको नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी मिल जाएगी। अगर आपने नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी निकाल ली है, तो नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी अगर आपने निकाल ली, उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी से अगर आप डिवाइड कर देते हैं, तो ये टर्म हमारा बन जाएगा नेट सेप बेयरिंग कैपेसिटी, नेट सेप बेयरिंग कैपेसिटी ये कहलाता है Qns। तो अभी देखिए आप कहां से, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी भी आपने समझा, और उससे फिर हम लोग Qnu तक पहुंचे। Qnu में अगर हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दिया तो हम Qns तक पहुंच गए। और Qns में अगर आप ये टर्म आप निकाल चुके हैं, अगर Qns में आप, यहाँ पे जगह कम है इसी वजह से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ताकि आपको देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ। Qns में अगर आप गामा डी एफ को अगर जोड़ देते हैं, ये एक अलग टर्म बनेगा, तो ये टर्म जो कहलाएगा वो Qsafe कहलाएगा। Qsafe हमारा क्या था, Qsafe वही Qs, मतलब सेफ बेयरिंग कैपेसिटी कहलाने लगेगा। स्मॉल Q है, ध्यान दीजिएगा, Qs, या फिर इसको Qsafe भी बोल सकते हैं और Qs से भी डिनोट कर सकते हैं, दोनों से। तो ये हमारा सेफ बेयरिंग कैपेसिटी निकल आई। सेफ बेयरिंग कैपेसिटी जो आपकी निकली है, सेफ बेयरिंग कैपेसिटी में अगर आप एरिया ऑफ फुटिंग, मतलब जो फुटिंग का एरिया है, एरिया जो है फुटिंग का, अगर उसको उससे अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको एरिया ऑफ फुटिंग अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं एरिया ऑफ फुटिंग, तो ये आपका कैपिटल Qsafe बन जाएगा। मतलब ये आपका क्या है, सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी आपकी निकल जाएगी। तो इस तरीके से आप समझ गए कि अगर आपको अगर कुछ भी दिया गया हो,
मान लीजिए नेट सेफ बीरिंग कैपेसिटी पूछा जाए, या अल्टीमेट बीरिंग कैपेसिटी पूछा जाए, या फिर सेफ बीरिंग कैपेसिटी पूछा जाए, या फिर ये आपसे पूछ लिया जाए सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ फुटिंग, आपसे कुछ भी पूछा जाए, तो आप इस तरीके से आप सब चीज़ें निकाल सकते हो। तो ये टर्म ही जो है वो हमको उलझा देते हैं। तो आई होप आप इसको समझ पाए। तो इस तरीके से आप जैसे अगर पिक्चर फॉर्म में अगर आप समझने की कोशिश करेंगे कि इसको क्यों किससे माइनस कर रहे हैं, तो आपको इजीली आपके दिमाग में आ जाएगा। तो यहाँ तक हमारा क्या हुआ, फाउंडेशन इंजीनियरिंग के हमने थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर कर लिया। अब हमारे न्यूमेरिकल बचे, तो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसके टफ न्यूमेरिकल लगाएंगे, जिससे हमारे डाउट्स जो हैं वो और भी ज़्यादा क्लियर हों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।